बिसमीम्समकम स्टूडेंट्स आई होप यू आर ऑल फाइन टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर फोर अदर लिविंग थिंग्स ऑन पेज नंबर फोटी सिक्स प्लीज़ मेंशन द डेट एंड डे ऑफ टुडे टुडेय अदर लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं या सोचते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए बट हम इन सब के अलावा जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इस यूनिट में नाउ लेट स्टार्ट दी चैप्टर देयर आर फ्यू लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे कुछ चीज़ें या कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स नहीं है लेट्स आस्क अबाउट लेट्स आस्क लुइस पास्चर अबाउट डैम आइए लुइस पास्चर से इनके बारे में पूछते हैं एंड हु वॉज लुईस पाशर ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन हिस्ट्री ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है हिस्ट्री में एंड ही लिव्ड इन द नाइन्टीन सेंचुरी इन फ्रांस और ये नाइन्टीन सेंचुरी में फ्रांस में रहते थे बेसिकली लुइस पास्र वॉज़ वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट लिविंग थिंग्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट यानी कि जो लिविस पास्टर थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो कि एग्जिस्ट करती हैं और इन लिविंग थिंग्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम विच कैन ओनली बी सीन थ्रू और विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप एंड वी कैन नॉट सी दैम विदर नेकेड आय नाइस टू मीच यू ऑल आप सबसे मिलकर खुशी हुई लेट मी टेल यू आ बिट अबाउट फन जाय बैक्टीरिया एंड प्रोटेस्ट आई मैं आपको थोड़ा बहुत फन जाए बैक्टीरिया और प्रोटेस्ट के बारे में बताता हूँ फन जाए बैक्टीरिया एंड प्रोटेस्ट फन जाए बैक्टीरिया एंड प्रोटीस फन और बैक्टीरिया से आपसे फेमिलियर होंगे फन क्या होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम साइंटिस्ट क्लासीफाइड फ़न एज प्लांट्स काफ़ी टाइम के लिए यह एक लंबे अरसे के लिए साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया था फन को प्लांट्स की तरह यानी कि दोनों को सेम ही किंगडम में रख दिया था कि ये इन दोनों की जो सिमिलर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है तो इसीलिए साइंटिस्ट uh, ने इनको सेम किंगडम में ही रख दिया था बट हाओ एवर द मोर साइंटिस्ट लर्न अबाउट फनजा द मोर दे रियलाइज़ दैट दे बिलोंग इन अ किंगडम ऑफ देर ओन लेकिन हाउ एवर ताहम साइंटिस्ट ने और फनजाई के बारे में पढ़ा और सीखा और उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि, कि जो हैं उनका अपना एक किंगडम है वो Uh, जो है टोटली प्लांट्स की तरह नहीं है हेयर आर सम ऑफ मेन डिफरेंसेस यहाँ पे कुछ मेन डिफरेंसेस जो है वो मेंशन किए गए हैं प्लांट्स के और फंजाई के बीच में तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई सो फर्स्ट डिफरेंस प्लांट्स हैव स्टेम लीव्स एंड रूट्स प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम होती है लीव्स होते हैं और रूट्स होते हैं फनजाए डू नॉट हैव स्टेम लीव्स एंड रूट्स लेकिन जो फनजाए होते हैं उनके पास ना स्टेम होती है ना लीव्स होती हैं ना ही उनकी रूट्स होती हैं सेकेंड क्या है सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं इनके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंड फन जय डो नॉट है फ़्लावर्स और फन जय के पास कोई फ्लावर्स नहीं होते यानी कि फनजाई के कोई भी फ्लावर्स नहीं होते प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड ये सबसे इम्पॉटेंट इसका जो है डिफरेंस है कि प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड ख़ुद प्रिपेयर करते हैं बट फन जे दे आर नाट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड कि फनजाए जो है इस काबिल नहीं होते कि अपना फूड जो है वो ख़ुद प्रिपेयर कर सकें

हाउ एवर वन थिंग दैट फनजय हैव इन कॉमन विद सम प्लांट्स इज दैट दे हैव स्पोर्ट प्रोड्यू स्पोर्ट फॉर रिप्रोडक्शन और यहाँ पे एक सिमिलैरिटी आ जाती है बिटवीन प्लांट एंड फनजय के प्लाट्स और फंजाई के बीच में एक सिमिलैरिटी आ जाती है कि इनमें कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है तो यहाँ पे जो है वन मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट्स एंड फनजय अब वो जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट तो क्या होती है कि वन थिंग दैट फंजाई हैव इन कॉमन कि फंजाई में जो चीज़ कॉमन होती है इनके प्ला विथ सम प्लांट्स कुछ प्लांट्स है इस डेट वो ये है कि दे हैव स्पोर्स स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन्स के ये इन रिप्रोडक्शन के लिए इनमें स्पोर्स पाए जाते हैं यानी कि कुछ स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं जो कि स्पोर्स के, के जरिए प्रोड्यूस होते हैं जब ये किसी भी जो इनके जो लीज होते हैं उनके अंडर साइड पर ये पाए जाते हैं और जब ये ब्रस्ट आउट होते हैं और जहाँ जहाँ ये गिरते हैं तो वहाँ वहाँ एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिले उसको सही लाइट मिले और वाटर मिले तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है इसी तरह जो फंजाय होती है वो भी स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं यानी कि वो भी स्पोर्स के जरिए जो है रिप्रोड्यूस होते हैं तो ये एक सिमिलरिटी जो है पाई जाती है बिटवीन स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड फंजाय बिकॉज दे आर एनएबल टू मेक देयर ओन फूड हैव टू फाइंड देयर फूड फनजय होते हैं क्योंकि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो इन्हें अपना फूड जो है वो तलाश करना पड़ता है अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दे फाइंड देअर फूड यानी कि ये अपना खाना किस तरह से तलाश करते हैं या अपना खाना ये कैसे तलाश करते हैं या उसको प्रोड्यूस करते हैं दे डू दिस बाय अटैचिंग दैम सेल्स टू अदर लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑफ देअर सेल्स जो फंजाए होते हैं ये अपना खाना इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि ये दूसरे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं वो लिविंग थिंग्स जो अपना खाना जो है वो खुद प्रोड्यूस करें उनको जो है अपना जो अपना खाना जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ जी जाके अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी के साथ सम फनजाएँ अटैच डेम्स टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस और कुछ फन ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स की जो बॉडी के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और उनसे अपना फूड हासिल करते हैं इफ़ यू डो नॉट वॉश प्रॉपरली एंड फाइंड फाइंड दैट योर बॉडी बिकम्स इची इट मे बी बिकॉज ऑफ फंगस इज गोइंग ऑन यू दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट कि अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली वॉश नहीं करते और आपको जो है इचिंग महसूस हो रही है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू हो गई है तो इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के, के ज़रिए जो है अपना फूड हासिल करते हैं सम फनजाई अटैच डेमसेल्स टू प्लांट्स कुछ फनजाए ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को अटैच कर लेते हैं प्लांट्स के साथ मशरूम्स एंड टोर्ट स्टूल्स आर द एग्जांपल ऑफ फनजा दैट डू दिस मशरूम्स एंड टोर्ट स्टूल्स जो है इन फनजाई की एग्जांपल्स हैं यानी कि वो फनजाए जो अपना खाना जो है प्लांट्स के जरिए जो है हासिल करते हैं उनमें मशरूम्स और टोर्ट स्टूल्स आते हैं आप इनकी पिक्चर्स जो है वो देख सकते हैं गूगल करके इफ़ यू सी मशरूम्स ऑन आर ट्री अगर आप मशरूम को देखते हैं किसी ट्री में और अराउंड द बेस ऑफ अ ट्री या आप ट्री की बेस पे देखते हैं यू विल नो दैट आपको ये मालूम होगा कि मशरूम आर गेटिंग दर नरिशमेंट फ्राम द सेल्स ऑफ दैट ट्री कि मशरूम जो है अपनी नरिशमेंट हासिल कर रहा है या नशो नुमा पा रहा है उस ट्री के उस ट्री से यानी कि जो मशरूम जो है बिल्कुल बेस पे किसी भी प्लांट के जो है वो मौजूद है तो इट्स मीन के वो अपना फूड हासिल कर रहा है थ्रू दैट प्लांट